मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक बयान के मामले में जमानत दे दी है। इसके बाद पबई क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता की जमानत याचिका मंजूर होने पर सभी लोग स्थानीय जगदीश स्वामी मंदिर में पहुंचकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया और आतिशबाजी करते हुए खुशियों का इजहार किया। इस अवसर पर धीरेन्द्र लटूरिया, हितुराम शर्मा सहित वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर में नाम रखने वाले जुझारू कांग्रेस के कर्मठ राजा पटेरिया के ऊपर जो सत्य वचन बोलने पर असत्य के रूप में भाजपा सरकार के गृह मंत्री के निर्देशन पर फर्जी मुकदमा बनाया गया था और लगातार 13 जनवरी से हिरासत में रखा गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कल पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। वह जनता के साथ संघर्ष करेगा और जनता की सभी संवैधानिक रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।